एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और आप देख रहे हैं अनुज स्मार्ट टैग। दोस्तों आज आपके मैं लाया हूँ नया वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं बिल्कुल आसानी से घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, ये अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर अपना कंप्यूटर लैपटॉप हमारे पास है तो उससे कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी दुकान पे जाके खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर मेरा पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार आपके पास मिलता रहता है। और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा, ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पहले समझ लीजिए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर आप मुझसे बाद में पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें पहले लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें पब्लिक साइन अप पर क्लिक करना पड़ता है। उसका दोस्तों यहाँ पर अपना नाम और सब हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो भी है यूजर नेम आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम आईडी मेल आईडी आपका डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है यहाँ पर आपको डालना है। उसका दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है यहाँ पर वो डाल दीजिए। उसका दोस्तों यहाँ पर विलेज आपका जो पड़ता है आप वो कर दीजिए। उसका दोस्तों रजिस्ट्रेशन यूनिट आप ग्राम पंचायत आपका जो है यहाँ पर छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कैप्चर कोड दिख रहा है ये आपको फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इस पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर मेल आईडी। मेल हमारे दोस्तों मेल पे एक मेल जाएगा, वहां पर हमें जाके इसको क्लिक करना होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे को मेल आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लीज क्लिक हियर एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर हमको क्लिक करना होगा। और अगर उस पर करना चाहे तो अथवा हम कॉपी को लिंक करके ब्राउजर पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो मेल आईडी आपको गई है मेल पे, देखिए यूजर आईडी भी गया होगा, वो आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, चाहे वहां पढ़ के यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद दोस्तों आपका जो पासवर्ड है आपको मेंशन करना है, अनुज एट द रेट ऐसे जो भी आप कर सकते हैं कर दीजिए, डाल दिया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको सामने देखिए बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है इंग्लिश। अगर आप चाहे तो इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सेकेंडरी लैंग्वेज जो भी है छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ पर दोस्तों फोन नंबर आप जो मन में आए, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जब बच्चे का जन्म हुआ है वो यहाँ पर डेट डालना है, आपका मेल है फीमेल है वो डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका नाम, अगर नामकरण कर दिया है तो डालिए अथवा आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आ जाइए, आपका जो बच्चा जन्म लिया है कहाँ पे लिया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसका दोस्तों आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस आपने बच्चा जहाँ पर जन्म लिया है, मैं यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई जेड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट आ गया, आपने जो पहले एड्रेस मेंशन किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फादर इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर अपना जो फादर नेम है वो का डिटेल मेंशन करना होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, अगर है तो छोड़ डालिए अथवा छोड़ दीजिए। यहाँ पर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका मदर इन्फॉर्मेशन के बारे में डालना पड़ेगा, मान लीजिए जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर उसका डालना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ईमेल आईडी है तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर भी अगर है तो डाल दीजिए अथवा छोड़ दीजिए। उस
उसका दोस्तों नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एड्रेस पर पेरेंट ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब कहाँ पर थे आप, इंडिया में थे तो इंडिया का एड्रेस यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आप जो मर्जी पोस्ट ऑफिस भी आप डाल दीजिए, ये एड्रेस आपका सेम आ गया। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर आपका कुछ और डाल दीजिए, अथवा आप सेम है ऊपर अबाव कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लीज चेक द इन्फॉर्मेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करके एड्रेस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका पिन कोड आ जाएगा, जो पिन कोड है आपका। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आके सबमिट कर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों सेव करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये सब दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। सेव दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेव करेंगे, सेव मेरा इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने कुछ एड्रेस गलत डाल रखा है और आधार नंबर गलत डाल रखा है। बाकी आपको सब कुछ आपको सही सही डालना है, आराम से भरिए, आराम से देखिए। ठीक है, आपका एक ऑप्शन आएगा पेज ओपन करने का, आपका एक ऑप्शन आएगा पेज अपलोड करने का, उसमें आपको दिख जाएगा कौन सा पेज अपलोड करना है, उसको डाउनलोड करके आपको उसको फिल करना है। बस आपको पिता का नाम और मदर का नाम और सिग्नेचर दोनों का चाहिए। ठीक है, वो दोनों सिग्नेचर डालने के बाद आप उसको स्कैन करके वापस इसमें अपलोड कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से दोस्तों ये अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।